हर एक पेशेंट को अगर ये सवाल पूछते हैं, क्या आप अल्कोहल शराब का सेवन करते हैं, कितने साल से करते हैं, तो शायद उसका जवाब 80% 90% टाइम्स हाँ में हो सकता है। इतना ज्यादा कॉमन अल्कोहल यूज है और आपको आसानी से ये पेशेंट मिल सकते हैं। अगर उसका जवाब हाँ में आया और आपको लगता है कि एक 5 मिनट की हिस्ट्री लेने के बाद क्या अल्कोहल डिपेंडेंस है, तो उसका पूरा टोटल असेसमेंट कैसे करना है वो हम आज देखेंगे। इसमें आएगा हिस्ट्री टेकिंग और एमएससी। तो हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले तो हम उसका सोशियो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से लेना है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी आपका मैनेजमेंट है या डायग्नोसिस है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन से सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से है, उसका वो क्या काम कर रहा है। बहुत बार देखते हैं हम कि जो लेबर वर्क कर रहे होते हैं, उन लोगों में अल्कोहल का यूज ज्यादा कॉमन और ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि हम दिन भर काम करके इतना थक जाते हैं, इतना बॉडी एक होता है कि शराब के बिना नींद ही नहीं आती है, इसलिए शराब का सेवन करना बहुत जरूरी है। तो मैंने ऐसे कई देखे हैं कि कई गांव है जहाँ पे 90 to 100% पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग अल्कोहल बिकॉज दे आर डूइंग लेबर वर्क एंड बिकॉज ऑफ बॉडीली कंप्लेंट्स। जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमें आप पूछना है एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, मैरिटल स्टेटस, कहाँ पे रहते हैं, एड्रेस क्या है, फैमिली टाइप क्या है, न्यूक्लियर है या जॉइंट फैमिली में है। ये भी जरूरी है, अगर जॉइंट फैमिली में है तो क्या दूसरे परिवार के सदस्य अल्कोहल डिपेंडेंस से बाधित है या नहीं, वो भी हम पूछ सकते हैं, जैसे बड़े भाई, पिताजी या और कोई रिश्तेदार है तो उनका भी हम असेसमेंट साथ में हो सकता है। क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है और इनकम क्या है, ये चीजें हम सबने पूछनी है। ये जो पीपीटी है मैंने गूगल क्लासरूम में डाला है, जब भी आप कोई केस लोगे तो आपको ये हिसाब से केस सब लेना है, असेसमेंट जो करना है और इस हिसाब से सब लिख के हमें सबमिट करना है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि सोशियो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में एज, जेंडर, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, कहाँ पे रहते हैं, एड्रेस, फैमिली टाइप न्यूक्लियर है या जॉइंट फैमिली है, या उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं, इनकम क्या है, ये सब चीजें हमें उनसे पूछनी है। फिर आएगा चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट में सबसे पहले आएगा अल्कोहल इनटेक, मतलब कितने साल से अल्कोहल ले रहे हैं। तो उसमें आएगा 10 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी है। और उसके बाद हमको, जैसे मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि वो जो अल्कोहल इनटेक है उसका पैटर्न हमें पूछना है कि कैसे शुरू किया, पहला ड्रिंक कब लिया, दूसरा ड्रिंक कब लिया, तीसरा कब लिया, पहले के बाद क्या महसूस हुआ, पहला लेने के बाद क्या प्लेजरेबल इफेक्ट्स थे, कैसे फील हुआ था, फिर दूसरा क्यों लिया, दूसरे के बाद क्या फील हुआ, तीसरा क्यों लिया, और फिर ये धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया, ये सब चीजें हमें पूछनी है। हफ्ते में एक बार पीता था, फिर हफ्ते में 2 बार पीने लगा, फिर रेगुलर कब से हुआ, रोज कब से पीने लगे। और समझ लीजिए कि वो कहता था कि मैं पहले 30 पीता था, 60 पीता था, 90 पीता था, फिर वो इनटेक कब बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, इफेक्ट नहीं आ रहा था इसलिए बढ़ाया, क्या इफेक्ट ज्यादा आने के लिए बढ़ाया। उसके बाद जैसे जैसे वो बीमारी बढ़ती जाएगी, तब मॉर्निंग ड्रिंक भी आता है, आई ओपनर ड्रिंक, मतलब सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले वो शराब मांगते हैं। चाय नहीं चाहिए, कॉफी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको शराब चाहिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ नाइट, रात को जब वो सो के 6 या 8 घंटे के बाद उठते हैं, तब ब्लड में अल्कोहल लेवल जो कम हो जाता है, उसकी वजह से उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे, जिसमें एंजाइटी होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, हाथ पैर कांपना। इसलिए उठते ही उनको वो ब्लड लेवल मेंटेन करने के लिए ड्रिंक लेना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड एज आई ओपनर ड्रिंक, मतलब आंखें खुलते ही या सुबह उठते ही मॉर्निंग में ड्रिंक लेना। तो इससे हमें सही पूरा पता चल जाता है कि जब पेशेंट, कोई भी पेशेंट अगर मॉर्निंग ड्रिंक की हिस्ट्री दे रहा है, दैट मीन्स पेशेंट इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, द पेशेंट इज डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल, क्योंकि उसको विड्रॉल फीचर्स आ रहे हैं और विड्रॉल जब आएगा दैट मीन्स पेशेंट इज डिपेंडेंट, है ना। कोई चीज पे डिपेंडेंसी है और जब वो चीज आप नहीं लेते हो तो उससे जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं उसे विड्रॉल कहते हैं। विड्रॉल तभी आएगा जब डिपेंडेंस होगा, और डिपेंडेंस होगा तो विड्रॉल आएगा। तो ये दोनों चीजें साथ में जुड़ी हुई है, विड्रॉल और डिपेंडेंस। तो अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक मतलब आपका डायग्नोसिस उधर ही
पता आपको चल गया कि दिस इज अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, ये कोई यूज नहीं है, मिसयूज या अब्यूज नहीं है, ये डिपेंडेंस हो गया है। इसीलिए वो सुबह उठते ही अपने विड्रॉल फीचर्स कम करने के लिए उसको एक पेग मारना पड़ रहा है। ये सब हिस्ट्री के बाद हमें उनको पूछना है कि आपका एवरेज इनटेक पर डे कितना है, मतलब दिन में आप टोटल कितना लेते हो। और यकीन मानिए, आप अगर उसको शांति से बिठा के पूछते हो तो वो पूरा कैलकुलेट करके आपको बताएगा। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो आप उनको पूछो सुबह में कितना लेते हो, फिर दूसरा ड्रिंक कितने घंटे के बाद लेते हो, फिर कब लेते हो, कैसे लेते हो, एंड आप खुद वो कैलकुलेट कीजिए और निकालिए, ताकि हमें पता चले सीवियरिटी क्या है, कि वो दिन भर में कितना इंटेक है उसका। फिर मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या क्या है कि तुम अगर शराब नहीं पीते तो तुमको क्या तकलीफ होती है, तुम शराब क्यों पीते हो, कि अगर समझ लीजिए इतने ज्यादा इश प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लाइफ में, पैसों से, पैसों का प्रॉब्लम है, घर पे प्रॉब्लम है, या तबीयत खराब हो गई, फिर भी शराब क्यों पीते हो, फिर वो आपको बताएगा कि अगर शराब नहीं पी तो मुझे नींद नहीं आती है, शराब नहीं पी तो बेचैनी होने लगती है, शराब नहीं पी तो घबराहट होने लगती है, शराब नहीं पी तो काम में मन नहीं लगता है, काम करने का हिम्मत नहीं आता है, एनर्जी नहीं आता है। मतलब वो अभी शराब पीने से उसको मजा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर शराब ना पी तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, उसे घटाने के लिए वो शराब पीता है। बहुत मुझे टेंशन है, काम की जगह पे टेंशन है, घर पे जगह पे टेंशन है, रात को अगर थोड़ी पी लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, सब मेरा टेंशन चला जाता है, मुझे नींद आती है, अच्छी नींद आती है। तो मेंटेनिंग फैक्टर क्या है, टू रिड्यूस और टू रिलीव द मेंटल स्ट्रेस, ये उसका मेंटेनेंस फैक्टर हो गया। कोई बोलेगा नहीं, मुझे उतना कुछ नहीं होता, अगर मैंने नहीं पिया तो भी चलेगा, लेकिन रोज शाम को हम दोस्त साथ में बैठते हैं तो एक एक पैग मार लेता हूँ, तो यहाँ पे मेंटेनेंस फैक्टर क्या हुआ, पीयर प्रेशर है ना, कि दोस्त है जो पीयर प्रेशर है उसकी वजह से ये मेंटेन हो रहा है। कोई और बोलेगा कि मैं घर पे आता हूँ, कुछ अच्छा भी काम करता हूँ तो बीवी मेरी बहुत झगड़ा करती है, हर चीज से झगड़ा करती है, इसलिए मैं शराब पीता हूँ। मतलब पीने वाला आपको कोई भी बहाना बताएगा या कोई भी 10 रीजन बताएंगे, वो जो रीजंस है वो है उसको ड्रिंकिंग बिहेवियर मेंटेन करने वाले फैक्टर्स, तो उसको बोलेंगे मेंटेनिंग फैक्टर्स। वो यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि इसका मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या क्या है। ये क्यों जरूरी है मेंटेनिंग फैक्टर जानना, उससे हमें क्या मदद मिलेगी, मेंटेनिंग फैक्टर पता करके क्या फायदा होगा, किस में फायदा होगा, क्यों जानना है कि मेंटेनिंग फैक्टर क्या है। जी रूबी जी, 1 मिनट अनम्यूट करने दीजिए। मैम, हाँ जी बोलिए। वो मेंटेनेंस फैक्टर जानने से ये पता चलेगा कि वो जिस वजह से पी रहा है उस वजह को कम करेंगे। जैसे फैमिली में स्ट्रेस है तो बोलेंगे कि उसके फैमिली को समझाएंगे कि आप ऐसा मत कीजिए ताकि इसको हेल्प मिल सके, नहीं तो ये पीना नहीं छोड़ेंगे, पियेंगे ही बार बार। बिल्कुल सही, मेंटेनिंग फैक्टर जान के हमें पता चलेगा कि ये क्यों पी रहा है। अगर मैं उसको बोलूं कि अच्छा समझ लो, मैं अगर विड्रॉल फीचर्स आपके मैं कंट्रोल कर दूं तो क्या आप पीना छोड़ दोगे, जो आपको तकलीफ होती है मैं इसका इलाज कर दूं तो क्या आप पीना छोड़ दोगे, तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल पेशेंट को होना चाहिए। अगर हम आपके फैमिली का टेंशन थोड़ा कम कर दे तो क्या आप पीना छोड़ देंगे, अगर मैं आपको ऐसी दवा गोली दूं कि जिससे आपको अच्छे से नींद आए या आपको मेंटल स्ट्रेस ना आए तो क्या आप पीना छोड़ देंगे। तो ये सब मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें मेंटेनिंग फैक्टर्स पूछने हैं। फिर पूछना है लास्ट ड्रिंक। अभी लास्ट ड्रिंक क्यों पूछना है, लास्ट ड्रिंक मतलब आखिर आखिरी बार शराब कब पी थी आपके पास हॉस्पिटल में आने से पहले। जी दीपक कुमार। जी दीपक कुमार, लास्ट ड्रिंक क्यों पूछना है, उससे क्या पता चलेगा। ओके जी, दिवेश कुमार। सॉरी अनम्यूट, दिवेश, दिवेश कुमार जी। जी दिवेश जी, से ये पता चलेगा कि ना उसको ना विड्रोल सिम्टम अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है लास्ट ड्रिंक से, क्योंकि अगर वो लास्ट ड्रिंक आया तो जाहिर सी बात अभी उसको विड्रोल सिम्टम नहीं हुआ है। बराबर, तो लास्ट ड्रिंक सही बताया, लास्ट ड्रिंक इसलिए पूछना है क्योंकि विड्रॉल आना शुरू होगा विद इन 48 आवर्स ऑफ लास्ट ड्रिंक। बराबर, 48 आवर्स के बाद कम है उसका आना, और अगर वो कहता है कि सुबह पी के आया या अभी पी के आया तो वो हो जाएगा इंटॉक्सिकेशन। फिर
फिर समझ लीजिए आपको अगर पेशेंट को एडमिट करके ट्रीटमेंट करना है या घर पे भी भेजना है तो भी उसको हम क्या बताएंगे कि आपको शराब पीनी नहीं है, बराबर, या एडमिट भी किया तो भी शराब नहीं मिलेगी। तो आज अगर मैं पेशेंट को एडमिट करती हूँ और वो सुबह पी के आया है तो मुझे पता है कि ये परसों तक विड्रॉल में जाने के चांसेस है, तो उसके हिसाब से मुझे पहले ही विड्रॉल मैनेजमेंट शुरू करना है ताकि वो विड्रॉल में ना जाए। और अगर विड्रॉल में नहीं जाएगा, इवन इफ हम उसको ओपीडी बेसिस पे ट्रीट करते हैं, तो भी हमने उसको ये भरोसा दिलाना है कि तुमको वो तकलीफ नहीं होगी, तुमने ये गोली दवा खानी है, बराबर। अगर होती है तो फिर से आके हमको मिलो, लेकिन शराब नहीं पीनी है। तो इसीलिए लास्ट ड्रिंक जरूरी है ताकि हमें पता चले कि विड्रॉल कब आएगा, कब शुरू हो सकता है। और जनरली हम देखते हैं कि अल्कोहल अकेला नहीं है सब्सटेंस, उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स निकोटिन होता है, कोई भी फॉर्म में निकोटिन हो सकता है, गुटखा है, चेनी है, बीटल नट च्यूइंग है, सुपारी चबाना होता है, या फिर आपका सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, ठीक है, तो ये सब निकोटिन के फॉर्म है। तो इसके लिए उसके साथ कोमॉर्बिड सब्सटेंस क्या है, मतलब अल्कोहल मेजर है और उसके साथ दूसरे सब्सटेंस कौन से यूज हो रहे हैं, वो भी हमें पूछना जरूरी है। कई बार ना, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ निकोटिन ही हो, कोई उसके साथ गांजा ले रहा होगा, कोई ब्राउन शुगर ले रहा होगा, या कोई वाइटनर ले रहा होगा, सॉल्वेंट ले रहा होगा, क्योंकि अल्कोहल का इफेक्ट बढ़ाना है उन लोगों को। तो कोमॉर्बिड कोई सब्सटेंस है ये भी हमें पूछना है कि आप अल्कोहल के सिवा कुछ और सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, किसी और चीज का भी व्यसन है क्या, ये हमारा नेक्स्ट सवाल होगा। उसके बाद फिर दूसरे जो सारे सिम्टम्स है वो हमें उनको पूछने हैं। फिर अभी बहुत बार है कि आप इस बार अभी आप पेशेंट आपके पास क्यों आया, ये जानना कि आप यहाँ पे क्यों आए। अगर पेशेंट खुद होके आया है, खुद बोलता है कि हाँ मुझे शराब का जो व्यसन है उसका इलाज करना है, मतलब पेशेंट मोटिवेटेड है, ये तुरंत पता चल जाएगा। अगर जबरदस्ती लाया है, नहीं मुझे कोई बीमार नहीं है, मेरी बीवी मुझे जबरदस्ती लेके आई या मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती लेके आए, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि अनमोटिवेटेड है, ये मोटिवेटेड नहीं है पेशेंट। और पेशेंट अगर मोटिवेटेड नहीं है तो डेफिनेटली हमारी डिफिकल्टीज बढ़ेंगे उसके ट्रीटमेंट में, क्योंकि वो दवा गोली नहीं लेगा, वो एडमिट नहीं होगा, या दवा गोली लेने के साथ साथ वो शराब भी पिएगा, रिलैप्स रेट भी बढ़ेगा, और हमको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और हमको खुद भी ये दिमाग में ये चीज रखनी पड़ेगी, ये पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है तो इसके रिलैप्स के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मुझे खुद को भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है क्योंकि ये बार बार मेरे पास शायद आता रहेगा। तो उसके लिए वो चीजें जरूरी है कि अभी आप क्यों आए। दूसरी बात यह है कि बहुत बार आपके पास पेशेंट कुछ और रीजन लेके आएंगे, ओपीडी में कोई और भी बात होगी कि बीमार है, फीवर है, लूज मोशंस हो रहे हैं, वोमिटिंग हो रहे हैं, या कोई और बीमारी, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन की दवा लेने के लिए, और आपने सिर्फ पूछा कि क्या आप शराब का सेवन करते हो, तो आपको जवाब हाँ मिला और इसलिए आपने असेसमेंट किया तो अल्कोहल डिपेंडेंस निकला। तो इसीलिए अगर अल्कोहल के साथ साथ कोई और भी बीमारी है तो उसका स्वरूप और बिगड़ता है, तो आप इनको वो बता सकते हैं कि शराब की वजह से डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा, शराब की वजह से बीपी भी कंट्रोल नहीं होगा, आपकी दिक्कतें बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए उनको पूछना है कि आप आज ओपीडी में या आज आप अस्पताल में क्यों आए हैं, ठीक है। और जब हम ड्रिंकिंग हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ड्रिंक क्यों शुरू किया, क्या किस दौरान कोई सिचुएशन थी, कितना पिया था, कौन से ब्रांड का पिया था, कौन से टाइप का पिया था, उसका इफेक्ट क्या हुआ था, इफेक्ट कितनी देर तक रहा, ठीक है। कई बार एजुकेटेड है पेशेंट तो आपको बता पाएंगे, या समझ लीजिए कोई यंग अडल्ट आया है या वो बोल रहा है कि 2-3 साल पहले शुरू किया तो उसे याद भी रहेगा तो वो अच्छे से इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि ओपीडी में हमारे पास आने वाले पेशेंट एजुकेटेड नहीं रहते हैं, लिटरेट नहीं रहते हैं, और 20-25 साल से शराब का सेवन कर रहे हैं तो उनको फर्स्ट ड्रिंक याद भी नहीं होता, वो बोलते हैं पता नहीं कब शुरू किया था, हो गए 20-25 साल, है ना, अप्रोक्सीमेट। तो उन पेशेंट में शायद ये पूरी हिस्ट्री मिलना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर पूछ सकते हैं हम, अगर मिलती है तो अच्छी बात है। वही सेकेंड थर्ड ड्रिंक, नहीं जाता है, शराब पी के ही पड़ा रहता है, काम पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो बाकी उसके लाइफ के जो बाकी एरियाज है
वो कितने अफेक्ट हुए हैं ये भी हमको पूछना है, और उसमें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस या साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं है, दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट्स रिलेटेड टू ड्रिंकिंग, वो भी उसको पूछना है। क्या वो बता सकता है कि, वो शायद आपको बताए कि जलन होती है, बार बार उल्टियां होती है, नींद नहीं आती है, या अगर लीवर फेलियर का पेशेंट है तो बताएगा कि हाथ पैर पे सूजन आ गई है, पेट पे सूजन आ गई है, असाइटिस हो गया है, या खून की उल्टियां होती है, सिरोटिक लीवर में हेमेटमेसिस हो सकता है, खून की उल्टियां हो रही है, ये सब भी पेशेंट आपके पास वार्ड में एडमिटेड भी रहे हो सकते हैं, बाकी मेडिसिन में या कोई भी डिपार्टमेंट में, सर्जरी में पैंक्रियाटाइटिस है, या आईसीयू में भी एडमिट रहेंगे डिलीरियम में चले गए तो। तो आपको उनको पूछना है कि आपको ये सब तकलीफ क्यों हो रही है, आप जानते हो? तो बोलेंगे हाँ भाई शराब पीने से हो रहा है, तो अच्छी बात है, आपको उनको और मोटिवेट कर सकते हैं। कई लोग बोलेंगे नहीं पता नहीं क्यों हो रहा है, मतलब दे आर नॉट अवेयर कि ये सब शराब की वजह से हो रहा है, तो उनको ये भी पूछना है कि आपको कोई और फिजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज है या नहीं है। अगर फिजिकल या साइकोलॉजिकल कोई कंप्लेंट्स है तो आपको क्या लगता है कि वो किस वजह से हो रहा है, क्या शराब की वजह से हो रहा है? फिर अब तक कभी शराब छोड़ने की कोशिश की थी क्या? दैट इज द पास्ट अटेम्प्ट्स एट एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मतलब शराब से दूर रहना। तो कभी शराब छोड़ने की आपने कोशिश की या नहीं की, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है हिस्ट्री में, आपको ये पूछना है। अगर की, अगर जवाब हाँ है तो कब की, अब तक कितने बार अटेम्प्ट किए, सबसे ज्यादा लंबा अटेम्प्ट कब था जब आपने शराब नहीं पी, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, और अगर फिर से शुरू की, रिलैप्स, फिर से शराब क्यों शुरू की, उसका क्या वजह क्या थी, वो भी आपको पूछना है कि रीजन बिहाइंड द रिलैप्स। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, एब्स्टिनेंस अटेम्प्ट्स किए है या नहीं, शराब छोड़ने की कोशिश की है या नहीं की है, वो हमें पता चलेगा, क्योंकि इस बार अगर छोड़ेगा तो उतनी ही या उससे ज्यादा तकलीफ उसको होने वाली है, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट पता चलेगा कि मुझे उसको डायजेपाम 5 मिलीग्राम देना है या 10 मिलीग्राम देना है, उसको एडमिट रखना है या घर पे भेज सकते हैं, वो पता चलेगा। तीसरा, अगर फिर से शुरू की तो क्यों की, मतलब वो ट्रिगर पॉइंट था कुछ तो भी, कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, या मुझे कान में आवाज सुनाई देने लगी, या बीवी के साथ झगड़ा हो गया, तो वो ट्रिगर पता चलेंगे, तो इस बार वो ट्रिगर पे मैं नजर रखूंगी ताकि वो फिर से ना हो, या तो मैं उसको बताऊंगी कि अगर ऐसा होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ताकि फिर से रिलैप्स ना हो, सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं उसको, पेशेंट को बताऊंगी, देखिए आपने अपने आप खुद होके पास्ट में शराब छोड़ी है, और आप 15 दिन, महीना, जो भी उसका लॉन्गेस्ट पीरियड हो, आप शराब के बिन रह सकते हैं, ये विश्वास हम उनको दिला सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट विथ अल्कोहल डिपेंडेंस, कि उनको ये विश्वास दिलाना है कि शराब के बिना भी जिंदगी आप जी सकते हो, उल्टा एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, बाकी जो तकलीफें हैं उसको हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने जो पहले किया था वो आप अभी भी कर सकते हो, आपको खुद पे और हम पे विश्वास रखना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट को ये विश्वास दिलाएंगे कि आप खुद बिना किसी के मदद के अल्कोहल से दूर रह सकते थे, आपने वो पास्ट में किया है तो आप फिर से फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ जुड़े हुए जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसका हिस्ट्री आएगा, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या देखा, सोशियो डेमोग्राफिक डेटा में सब कुछ आएगा, नाम, उम्र, एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, इनकम, सब कुछ। उसके बाद पहला ड्रिंक कौन सी ली थी, कितनी ली थी, दूसरा ड्रिंक क्या हुआ था, लेने के बाद कैसे फील हुआ था, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर कैसे बढ़ता गया, कौन सा लेते थे, और बढ़ते 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 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, कितना टाइम लगा रेगुलर ड्रिंकिंग करने के लिए, रेगुलर ड्रिंकिंग करने के बाद दिन में कितनी क्वांटिटी लेता है, पर डे कितना है, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे मॉर्निंग ड्रिंक प्रेजेंट है या नहीं है, उससे पता चलेगा डिपेंडेंस है या नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद हम उसको पूछेंगे कि अल्कोहल रिलेटेड कोई दूसरा
कॉम्प्लिकेशन है क्या, अगर अगर शराब वो छोड़ता है या शराब पी रहा है, फिर लीवर डिसीज हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, एसाइटिस होगा या एनएसआर का हो सकता है, उसके बाद सीजर कभी आया है क्या शराब छोड़ने के बाद, ठीक है, उसके बाद पास्ट में कभी शराब छोड़ने के लिए कोई उसने खुद होके अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो कब कब किया है, कैसे किया है, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस क्या था, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक वो शराब से दूर रह सका था वो जानना है, और उसके बाद फिर से रिलैप्स क्यों हुआ वो पूछना है, उसके बाद उसके लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट्स है, सोशल है, पर्सनल है, ऑक्यूपेशनल है, उन सब एस्पेक्ट्स में शराब की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, काम पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, काम पर से निकाला गया है, पहले जितनी उसकी थी एफिशिएंसी उतनी एफिशिएंसी से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, घर पे झगड़े हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, घर पे और कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, फाइनेंशियल इश्यूज है, ये सब हम उसको पूछेंगे। उसके बाद कभी धीरे धीरे जब ये बढ़ता जाता है तो शराब के ऊपर वो कितना खर्चा कर रहा है दिन में, वो उसको पूछना है कि अगर तुम समझ लो देसी पीते हो तो दिन में दिन भर में कितनी पीते हो, वो बोलेगा 50 रुपए की, 200 रुपए की, 250 रुपए की, ठीक है, और दिन में तुम कमाते कितने हो, अगर वो 250 कमाता है तो 200 रुपए शराब पे उड़ा रहा है, तो वो उसको लिख के दिखाना है कि देखो भाई तुम्हारी कमाई थी 250, तुम उड़ा रहे हो 200 रुपए शराब से, अभी तुम कितने साल से ये पैसे उड़ा रहे हो, वो बोलेगा 10 साल से, तो 10 साल 10 × 365 days, तो वो कितने हुए × 200 rupees per day, ये निकालोगे, ये मैं कैलकुलेशन में अपने पेशेंट को करके दिखाती हूँ, जितने भी साल से वो शराब पी रहा है, तो वो आता है लाखों रुपए में, फिर उसको पता चलता है कि मैंने भाई मैंने 2.5-3 लाख या 5 लाख 10 लाख सिर्फ शराब पे ही उड़ा दिए और मुझे पता भी नहीं चला, अगर ये पैसे तुम्हारे पास होते तो आज तुम क्या क्या कर सकते थे, वो भी उसी को पूछना है, ठीक है, एक सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रहता है, उनको हम उनको कन्फ्रंट नहीं कर रहे, मतलब मैं उसको पूछ नहीं रही क्या कितने पैसे उड़ा दिए तुम, मैं सिर्फ बता रही हूँ, अच्छा तुम रोज 200 रुपए खरीदते हो, 200 रुपए स्पेंड करते हो, कितने साल से कर रहे हो, कितने दिन हुए, तो आज अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारे पास कितना सेविंग होता, ठीक है, वो उनको दिखाना है। उसके बाद कोई साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स है या नहीं वो जानना है, तो उसके लिए हम वही पूछेंगे, कोई डिप्रेशन का साइन सिम्टम्स है क्या, कोई साइकोसिस का साइन सिम्टम्स है क्या, या कुछ मेनिया जैसा कुछ है, कभी ऐसा हुआ कि शराब पी के एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, लीगल इशू हो गए, पुलिस कंप्लेंट हो गई, चोरी किया, पैसे चुराए या कुछ चुराए, या लोन ले लिया है लोगों से, पैसे वापस नहीं कर रहा इसलिए लीगल इश्यूज हो गए, कभी शराब पी के किसी के साथ मारपीट कर ली, पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में चली, तो ये सब दिखाता है कि शराब का कितना इम्पैक्ट हुआ है, और ये बातें जब वो आपको बताएगा तो वो खुद रिवाइज कर रहा है, तो उसको खुद को भी स्ट्राइक होता है कि मेरी लाइफ कितनी बदल गई है शराब की वजह से, कि मैं ऐसा नहीं था, वो उसको रियलाइज होता है, तो रियलाइजेशन भी होता है जब हम हिस्ट्री में उसको सब पूछते हैं, तो कहीं तो भी आप उसमें एक स्टार्ट कर रहे सोच कि अरे शराब की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो वो स्टार्ट के लिए ये सब पूछना और वो बताएगा तो उसका खुद का भी रिवीजन होगा जो उसने कभी ध्यान से देखा ही नहीं था अपनी जिंदगी के बारे में, तो ये सब उसको चीजें पूछना है। फिर अगर अब तक अगर छोड़ने की कोशिश की तो कभी कोई ट्रीटमेंट लिया या अकेले छोड़ा बिना ट्रीटमेंट के, ट्रीटमेंट लिया तो कौन सा ट्रीटमेंट लिया, बहुत बार लोग ऐसे आते हैं कि जो 1-1, 2 महीना, 6 महीना किसी रिहैब सेंटर में रह के आए हैं और 6 महीने अच्छा था, घर आने के बाद 6 महीना और अच्छा रहा लेकिन फिर से शराब शुरू कर दी, तो ये हिस्ट्री हमें पूछनी है, बाकी जो वही पास साइकियाट्रिक हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ये सब चीजें हम फिर फैमिली हिस्ट्री में पूछेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। इसमें ये न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली क्या होता है कोई बताना चाहेगा? 3 जनरेशन में पति पत्नी बच्चे और पति के माँ बाप, मतलब 3 जनरेशन, भाई बहन नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो फैमिली कौन सा टाइप है उसका फैमिली का ट्री भी आप निकाल सकते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस, अगर जॉइंट फैमिली है, जनरली हमारे यहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं लोग, न्यूक्लियर फैमिली रेयरली होता है, तो फैमिली हिस्ट्री में अल्कोहल डिपेंडेंस पूछना ही है, क्या फादर में है या बाकी चाचा में है, ताऊजी में है, क्योंकि बहुत बार होता है कि बचपन से
बचपन से उन लोगों ने देखा हुआ होता है कि घर में घर के बड़े लोग शराब पी रहे हैं और कोई उसको कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, और फिर भी और शराब पीने के बाद भी अथॉरिटी फिगर वही लोग रहते हैं। तो वो जब बचपन से कोई बच्चा देखता है तो वो उनको एक सीख मिलती है कि दिस इज एक्सेप्टेड बिहेवियर इन द सोसाइटी, कि इसको मान्यता है, मेरे घर में इसको मान्यता है, इसलिए अगर मेरा बाप पीता है तो मैं भी पी सकता हूँ, है ना। अगर कोई बड़ा ये काम करता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो इतना सिंपल है। फिर वो शराब रहे या कोई दूसरा भी काम है, मतलब हम भी अपने बच्चों को अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमने वो काम खुद करना है। सिंपल सी बात है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे रात को ब्रश करके सोए और आप उनको बोलोगे जाओ ब्रश करके आओ ब्रश करके आओ, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे तो वो भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खुद उठते हैं और रात को ब्रश करके सोते हैं तो बच्चा भी आपके साथ उठेगा और ब्रश करेगा। तो जो भी बिहेवियर आप बच्चों में चाहते हैं वो बिहेवियर आपने खुद की पर्सनालिटी में लाना है चेंज, तभी वो बच्चे करेंगे। तो अगर वो देख रहा है कि अल्कोहल कंजम्पशन बिहेवियर इज नॉर्मल फॉर देम, इट इज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेड, तो डेफिनेटली उसको वो दिमाग में फिट हो जाएगा और वो फैमिली में सभी पी रहे इसलिए मैं भी पी रहूंगा, और फिर वो डिपेंडेंस हो जाएगा। तो इसीलिए फैमिली हिस्ट्री पूछना है। दूसरा, अगर समझ लो कि फैमिली में कोई नहीं पीता और यही एक पी रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? फैमिली में सब पी रहे इसलिए पीना शुरू कर दिया, समझ गई मैं, लेकिन फैमिली में कोई पीता ही नहीं है और इसने शुरू कर दिया तो क्या करेंगे? अगर जो भी है, जो भी दूसरी चीजें आपको उसमें मिलती है कि सब्सटेंस है या मूड है, साइकोटिक सुसाइडल, उसका फिर डिटेल हिस्ट्री हम लेंगे। मतलब हम आपको अल्कोहल डिपेंडेंस सिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि फिर आपने सिर्फ अल्कोहल देखना है बाकी सब निग्लेक्ट करना है, नहीं, हमने सब साथ में देखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें साथ में रहेगी, सब कुछ साथ में रहेगा। अगर आप सिर्फ एक का ही नहीं, मुझे मैंने सिर्फ अल्कोहल पढ़ा है मैं सिर्फ अल्कोहल करूंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई है वो सब इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए हिस्ट्री में आपको सही से हिस्ट्री पूछना है, और मैनेजमेंट भी होलिस्टिक होना चाहिए, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी वो आपका पेशेंट ठीक हो पाएगा। फिर ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में वही सब पूछना है, काम क्या करते थे, अब क्या करते हो। अगर शराब की वजह से उसका आपको पता चल रहा है कि इसका ये तो भाई शराबी है, काम पे पक्के से नहीं जा रहा होगा, लेकिन ये हमने बोलना नहीं है, ये उसके मुंह से हमको निकलवाना है, ठीक है, क्योंकि हमको कन्फ्रंटेशन नहीं कराना, बराबर। तो हम उसको पूछेंगे क्या काम करते थे, कितना कमाते थे, अच्छा अब क्या काम करते हो, अब कितना कमाते हो, काम पे रोज जा रहे हो या नहीं जा पाते हो, अगर काम पे जा रहे हो तो कितना घंटा काम करते हो। फिर वो बोलेगा कि नहीं आजकल बहुत छुट्टी हो जाती है, कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ, या पहले जैसा काम नहीं कर पाता हूँ, या मुझे काम से निकाल दिया। तो वो सब चीजें उनसे बुलवानी है हमको, ताकि उसको खुद को पता चले कि ये सब शराब की वजह से आज मेरी सिचुएशन ये हो गई है, ठीक है। वही प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, मतलब शराब पीने से पहले, ये बीमारी शुरू होने से पहले उसकी पर्सनैलिटी कैसे थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो तीन चीजें हमें पूछनी है कि पेशेंट से और उसके रिश्तेदार से, कि क्या ये सोशल था, चार लोग अगर मिलते तो चार लोग से ठीक से बात कर पाता था या नहीं कर पाता, पहले शराब पीता था या नहीं पीता था, इसकी संगत कैसी है, इसके दोस्त लोग कैसे हैं, ठीक है, ये सब हम उसको पूछेंगे। ये बात इधर पीयर प्रेशर के हिसाब से भी ये ज्यादा जरूरी होता है जानना। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मैं दोस्तों के लिए पीता हूँ, दोस्तों के साथ पीता हूँ, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मुझे ग्रुप से निकाल देंगे। तो ऐसे पेशेंट को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज अगर आप बीमार होते हो, एडमिट होते हो, तो आपको देखने कौन आएगा, आपका ख्याल कौन रखेगा? तो वो लोग ऑब्वियस है, वो बोलेगा बीवी आएगी, माँ बाप आएंगे, घर वाले आएंगे। मैं पूछती हूँ फिर आपके दोस्त नहीं आए? उसे समझ जाता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब आपके अगर दोस्त आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं और आपका जो आज हाल है, जो भी हालत है, वो शराब की वजह से, तो वो आपके दोस्त है या दुश्मन है, या आप खुद समझ लीजिए। तो ये ऐसे एक दो पॉइंट होते हैं जो हम काउंसलिंग में उनको बता सकते हैं। अगर निकोटीन यूज है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसका भी हिस्ट्री आप साथ में ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये हिस्ट्री पूरा हो गया हमारा लेके, ठीक है,
इसके बाद ये हमेशा याद रखना है कि आप लोग जो जहां भी कोई भी इंडिविजुअल जहां भी कोई भी इंसान को मिलते हैं, किसी ना किसी को या सबको ही अल्कोहल का शायद यूज मिसयूज अब्यूज एडिक्शन हो सकता है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट एज नर्सेस मीट इंडिविजुअल्स हु हैव प्रॉब्लम्स विद अल्कोहल यूज ऑलमोस्ट एवरी डे irrespective of the setting or specialization. Alcohol use is related to morbidity and mortality related to illnesses involving almost every system in the body. मतलब आप वार्ड में पेशेंट एडमिटेड है लीवर फेल्योर के लिए या स्ट्रोक के लिए या हाइपरटेंशन के लिए, तो आप उसको पूछो हिस्ट्री, शायद उसको अल्कोहल डिपेंडेंस है या अल्कोहल की वजह से हुआ है. आप ओपीडी में बैठे हो नौशिया वोमिटिंग के लिए आया, शायद उसको गैस्ट्राइटिस हो गया है अल्कोहल की वजह से इसलिए वो आया है. आप आईसीयू में हो, लीवर फेल्योर था इसलिए उसको आईसीयू में डाला. अगर ये बाहर आता है ठीक होके तो पॉसिबिलिटी है कि इसको अल्कोहल डिपेंडेंस आप ट्रीट करो. कई बार सुसाइडल पेशेंट जो होते हैं, बहुत बार आप ये देखिए जो भी सुसाइड वाले पेशेंट आएंगे, सुसाइड अटेम्प्ट वाले, कुछ कट कर लिया है, कुछ पी लिया है, जनरली वो लोग पहले नशा करते हैं फिर पीते हैं. मतलब जहर पीना है या कुछ भी, हाथ काटना है, क्योंकि नशा करने के बाद थोड़ी हिम्मत आती है या कुछ पता नहीं चल रहा है, या नशे के साथ करते हैं, तो उनमें भी अल्कोहल यूज डिसऑर्डर होने की बहुत ज्यादा चांसेस है. जो भी आपके पास सुसाइड अटेम्प्ट के साथ एडमिट होते, फिनाइल पॉइजनिंग हो गया, ओपी पॉइजनिंग हो गया, कट रिस्ट हो गया, तो आपको इनको भी पूछना है कि क्या आप अल्कोहल लेते हैं. मतलब एवरी डे आई गेस रोजमर्रा की जिंदगी में आपने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जो अल्कोहल लेते हैं. तो इसलिए मैं ये नहीं मानूंगी कि आप मुझे कहोगे कि हम साइकेट्री में पोस्टेड नहीं है इसलिए हमारे पास पेशेंट नहीं है. अल्कोहल इज एवरीवेयर, राइट? इसलिए प्लीज आप अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट मिलता है तो उसका असेसमेंट कीजिए. हमें कुछ नया सीख रहे हैं, हम कुछ नया सीखने के बाद लोगों की अच्छे से मदद कर सकते हैं, इसलिए ये पूछना है. अगर कोई भी ऐसा इंसान आपको कहीं पे भी मिलता है तो उसको आप पूछेंगे कि क्या पीते हो, कब से पीते हो, कहाँ पीते हो, और ये जो पेशेंट है वो आपको कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है? और ये कोई भी हो सकता है. और कहीं भी आप आईवी लाइन लगाने गए, आपने पूछ लिया क्यों भाई शराब पीते हो, क्या उसने जवाब हाँ दे दिया, आप आईसीयू में थे और आपको पता चल गया कि ये इंटॉक्सिकेटेड था जब एडमिट हुआ, मतलब वो शराबी था, तो ये सब आप डॉक्यूमेंट कीजिए और बाद में उसका हिस्ट्री लीजिए जब भी आपको टाइम मिले. और हिस्ट्री लेने के बाद एमएससी तो जो है वो एमएससी आपको पता है वैसा एमएससी करना है. फिर डायग्नोसिस हो जाता है आपका अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम या अल्कोहल यूज डिसऑर्डर. अगर वो विड्रॉल में आता है तो वो होगा इन विड्रॉल. अगर सिंपल विड्रॉल है, सिंपल विड्रॉल मतलब सिर्फ ट्रेमर्स है, एंजाइटी, घबराहट, बीपी बढ़ गया है, तो सिंपल विड्रॉल. अगर उसको उसके साथ लीवर फेल्योर के साइन सिम्टम्स है या सीजर आ गया, इपिलेप्सी जैसा सीजर आ गया, कन्वर्जन आ गया, या हेड इंजुरी है, फीवर है, तो वो हो गया कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका डायग्नोसिस. फिर आप अपने डॉक्टर के पास उसको दिखा के उसका हिस्ट्री प्रेजेंट करके उसको ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. और आपके पास मेजर पॉइंट आएगा काउंसलिंग करने का, उसको मोटिवेट करने का. और उसके बाद 5 days, 7 days डिपेंडिंग अपॉन कि सीवियरिटी क्या है, आप उसको फॉलोअप के लिए बुलाएंगे. तो फॉलोअप के लिए क्या क्या जरूरी है, फॉलोअप पे जब पेशेंट आएगा तब उसको क्या क्या पूछना है, फॉलोअप पे जब पेशेंट आएगा तब उसको पूछना है 7, समझ लीजिए 1 हफ्ते के बाद बुलाए, पिछले 7 दिनों में आपकी तबीयत कैसे थी, शराब पी या शराब नहीं पी. बराबर? अगर शराब नहीं पी तो आपने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि आपके बहुत आप वी आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट एंड कॉन्ग्रेचुलेट, मैं आपका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने 7 दिन तक शराब नहीं पी, ये बहुत बड़ा काम है. तो ये पॉजिटिव री एनफोर्समेंट होगा, ठीक है? तो उनका थोड़ा सा उनको प्रेज करना है. अगर पी तो क्यों पी, क्या हुआ था, एक बार पी, दो बार पी, फिर वो बोलेगा कि काम पे किसी के साथ झगड़ा हो गया था, या मैं तो ठीक था, मैं अपनी शॉप से या काम से घर आ रहा था लेकिन रास्ते में वो देसी दारू की दुकान दिख गई तो इसलिए फिर बहुत ज्यादा मन कर लिया इसलिए मैं चला गया, या किसी दोस्त ने बुला लिया और फिर वो बहुत ज्यादा फोर्स करने लगा,
तो ये आपने उसको पूछना है कि क्यों पिया, और अगर वो बोलेगा कि दोस्त ने फोर्स किया, तो आप बोलो कि आप ऐसे दोस्त को अवॉइड कीजिए। वो बोलेगा रास्ते में बियर की दुकान दिख गई, तो उसको बोलो रास्ता बदल दो, ठीक है, अपनी दुकान पे जाने का दूसरा रास्ता चुनो जहाँ पे शराब की दुकान ना हो। ये जो ट्रिगर्स है वो अवॉइड करने हैं, तो ये सब हम फॉलोअप पे पूछेंगे। फिर जो भी दवाई दी थी वो दवाई ली या नहीं ली, ली तो कैसे ली, बराबर ली या नहीं ली, बाकी इनकी नींद कैसी थी, खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, और जो भी कंप्लेंट्स लेके वो पहले आए थे वो कंप्लेंट्स अभी है या नहीं है, ठीक है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, उल्टी हो रही थी, मछली हो रही थी, बदन में दर्द था, कान में आवाज सुनाई दे रही थी, घबराहट हो रही थी, कुछ भी हो सकता है, वो सब सिम्टम्स है या नहीं है, बाकी उनका काम कैसे चल रहा है, घर पे कैसे चल रहा है, घर पे कोई स्ट्रेस है क्या, जो स्ट्रेस था उसका मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो आप उसको बता सकते हैं। और जो भी सब मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जो हम आपको सिखाएंगे उसमें जो भी चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं वो हम फॉलोअप पे उनको रीइन्फोर्स करेंगे।